नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आपने सुना होगा बंगला मुखी देवी माता के बारे में, क्योंकि बंगला मुखी देवी यहाँ एक चमत्कारी देवी हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो उनकी आराधना और उनकी पूजा करना जरूरी है। यदि आप इच्छा चाहते हैं कि आपको कोई भी करियर चाहते हैं और उस करियर को आप पाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन उसे सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बंगला मुखी की पूजा करने से उस कार्य में सफल हो जाएंगे। या फिर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम आपका सफल नहीं हो पा रहा, या फिर आपको डर है कि कहीं एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ना आ जाए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए भी बंगला मुखी का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप ओम बंगला मुखी का आप 21 बार जप करें। ऐसा करने से भी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा ना आए जिसकी वजह से आपका सारा व्यवसाय बिखर जाए या फिर आपका व्यवसाय बिगड़ जाए, तो उसके लिए आप बंगला मुखी का उच्चारण कर सकते हैं या फिर बंगला मुखी की कोई भी तस्वीर अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे अच्छे फल पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए और इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आपके सारे कार्य बने, तो उसके लिए आप देवियों की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपका बिजी शेड्यूल है उसमें थोड़ा समय निकाल कर माताओं की पूजा के लिए जरूर निकालें, क्योंकि नवरात्रि में माता भक्तों के सुनने के लिए ही बैठी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य बने, तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में इन माताओं की पूजा करें और पूजा करने से आप उन सफल कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो कार्य आप कोशिशों के बाद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि व्यक्ति मेहनत तो करता है, मेहनत करने के बाद उसे वह नतीजा नहीं मिलता या फिर उसे वह कार्य सफल दिखता ही नहीं है कि उसका कार्य हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि सारे कार्य आपके बन जाए और बनने के बाद आपके सारे कार्य में कोई भी नुकसान ना हो, बंगला मुखी देवी की पूजा जरूर करें। पूजा करने के साथ साथ आप आराधना करने के साथ साथ मेडिटेशन करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेडिटेशन करने के लिए कोई भी उच्च समय सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में यदि आप पूजा करते हैं तो सबसे खास माना जाता है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप लेट उठते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। आप नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद माता की पूजा में अपना मन लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो भी आपके नेगेटिव विचार चल रहे होंगे वह भी आपके पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो ये हैं, यदि आप बंगला मुखी देवी की पूजा करते हैं तो आपके सारे कार्य भी बनेंगे और आपको जो भी आप चाहते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त देती हूँ।